please subscribe and don't forget to press the bell icon to get notified whenever we upload a new video. नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल्टी मीडिया और मैं हूं आपके साथ राकेश सिंह। और मेरे साथ आज मौजूद हैं रियल एस्टेट के भीष्म पितामह कहे जाने वाले गोपाल गुप्ता जी। गोपाल गुप्ता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो रेरा आ गया है, रेरा के अंदर प्रावधान है रियल्टर्स को रजिस्टर करने का, तो उसमें आपका क्या कहना है कि रियल्टर्स अगर रेरा में रजिस्टर करेंगे तो उनका क्या फ़ायदा होगा इसमें? देखिए, बेसिक बात यह है कि ये कानून क्यों बनाना पड़ा। कई बिल्डर्स ने, ब्रोकर्स ने लोगों का निवेश करा दिया लेकिन टाइम पर प्रोजेक्ट नहीं दिए, उससे इस इंडस्ट्री के प्रति लोगों के मन में अविश्वास पैदा हुआ। तब भारत सरकार ने नियम बनाया और 1 मई से नियम लागू किया, जिसके तहत जहां किसी बिल्डर को अपने प्रोजेक्ट को बिना रजिस्टर्ड कराए मार्केटिंग करना, स्टार्ट करना प्रोहिबिटेड है, वहीं ब्रोकर के लिए भी ये बाध्यकारी है कि वो ऐसा कोई प्रोजेक्ट मार्केटिंग नहीं करेगा जो रजिस्टर्ड नहीं है। और राजस्थान रियल्टर्स एसोसिएशन जो बना हुआ है, इन्होंने जैसे ही एक्ट आया राजस्थान में सारे ब्रोकर्स को इकट्ठा किया, उनको मोटिवेट किया, एजुकेट किया कि वो रेरा के प्रावधानों को समझें और उसकी पालना करें, अपने आप को रजिस्टर्ड कराने के बाद में ही मार्केटिंग करें, अदरवाइज दे कैन नॉट सेल एनी प्रोजेक्ट अनलेस दे आर रजिस्टर्ड विद रेरा। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, रेरा के आने के बाद जो अब रियल इस्टेट था वो अपने बुरे वक्त से जूझ रहा था, क्या अच्छा वक्त आएगा रेरा के आने के बाद? निश्चित रूप से इसके बाद जो गलत लोग थे जिन्होंने इस इंडस्ट्री को बदनाम किया था उनकी छटनी हो चुकी है, और जो लॉ बाइंडिंग है, कानून की पालना करते हैं, वो इस मार्केट में है एंड दे आर अकाउंटेबल, दे आर आंसरेबल टुवर्ड्स द इन्वेस्टर। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है, मानना ये है कि आने वाला टाइम बहुत अच्छा आने वाला है। सर, 2018 का बजट आने वाला है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या हमारे फाइनेंस मिनिस्टर के लिए आपके कुछ राय है, कुछ मांगे हैं? हमारे ऑल इंडिया क्रेडाई ने सरकार को ये सुझाव दिया है कि 50 लाख तक के मकान को अफोर्डेबल हाउसिंग माना जाए, उन्हें इंटरेस्ट में सब्सिडी और जो पंजीयन शुल्क होता है उसमें रियायत दी जाए। उसी क्रम में मैं चूंकि चेयरमैन राजस्थान क्रेडाई का हूँ, स्टेट गवर्नमेंट से मैंने मांग की है कि 50 लाख तक के मकान को 2% स्टाम्प ड्यूटी लेकर के पंजीयन किया जाए, और जो अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी के तहत मकान बनते हैं उनमें उन गरीबों को EWS LIG के मकान वालों को और रियायत दी जाए। हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये है जो समाज का पिछड़ा वर्ग है, बैकवर्ड है, उन सबको मकान मिले, ये सरकार का दायित्व नहीं, हमारा भी दायित्व है उन सबको मकान मुहैया कराना। अनेक मीडिया अभी काम कर रहे हैं लेकिन बड़ी खुशी इस बात को जान करके कि रियल्टी मीडिया इस सेक्टर को ही कवर करके काम कर रहा है, जिसमें जो पीड़ित हैं उनकी आवाज़ को जन जन पहुँचाने तक, उनके शिकायत दूर करने के लिए भी ये मीडिया काम कर रहा है। तो मैं दुआ करता हूँ कि मीडिया खूब आगे बढ़े और जो भी दुखी है, पीड़ित है इन्वेस्टर, उन सबको इसके माध्यम से राहत मिले, सुरक्षा मिले। शुक्रिया सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। मेरे साथ मौजूद थे गोपाल गुप्ता जी, राजस्थान क्रेडाई के चेयरपर्सन। इन्होंने अपनी बातें रखी जो ये चाहते हैं 2018 के बजट में आए। हमारी इच्छा रहेगी कि ये भी 2018 के बजट में आए। शुक्रिया।